दोस्तों मैंने एक अमेजन से हीरोज हमर 45 लीटर नाइलॉन का बैग मंगाया है। बैग इसलिए मंगाना पड़ा मुझे, जब भी मैं फेसबुक यूज करूं सबसे पहले तो मुझे फेसबुक का एड के शो में यही बैग शो होता है, और अमेजन में कुछ सर्च करूं तो मुझे सबसे पहले यही नज़र आता है, सबसे हाईलाइट में मुझे यही बैग नज़र आता था। देखने में काफ़ी अच्छी लगती थी, इसके रिव्यू भी काफ़ी ठीक ठाक थे, इसलिए मैंने ये बैग को मंगाया है। आपको दिखा देता हूँ ये बैग कैसा है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपके साथ भी ऐसा हो तो फेसबुक में कहीं अमेजन में कहीं आपको ये दिखाई दिया, इसका एड दिखाई दिया तो देखने में तो अमेजन में तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन रियल में क्या है आपको दिखा देता हूँ। ये रहा ये बैग हीरोज। सबसे पहले तो ऊपर हीरोज का एच का निशान लगा हुआ है, लोगो लगा हुआ है और ये लिखा हुआ है हीरोज, हीरोज हमर 45 नीले। इसका मटेरियल नीलन का मटेरियल है और देखने में मिलिट्री कलर का है, बिल्कुल मिलिट्री लोग यूज करते हैं, अपने सेना लोग यूज करते हैं, उस टाइप का ये देखने को मिलेगा और देखने में काफ़ी अच्छा है। और 45 लीटर का है, यानी कि ये ट्रैकिंग बैग है, ट्रैकिंग जो आप ट्रैवल ट्रैकिंग जो कहीं घूमने जाते हैं तो उसके लिए खास करके बहुत बढ़िया बैग है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। और इसका क्वालिटी की बात करें तो इसका आपको ये यहाँ पर लगा था फीता, ये बहुत बढ़िया है क्योंकि बहुत चौड़ा है, इतना चौड़ा है, ये देख सकते हैं इतना चौड़ा है। और इसमें भी बेल्ट में भी लगा हुआ है हीरोज हमर का लिखा हुआ है, निशान सिंबल भी है और लिखा भी हुआ है एक साइड में, और अलग से दूसरा फीता भी दिया हुआ है। और नीचे बात करते हैं तो बेल्ट की जगह जो देख रहे हैं बेल्ट, यहाँ भी बहुत कम से कम 4 इंच से ज़्यादा का, कम से 6 इंच का ये चौड़ा बेल्ट है जो नीचे बांधने का, पेटी की तरफ बांधते हैं ना उसमें। और इसमें 2 जेब भी दिया हुआ है और ये एक पॉकेट भी दिया हुआ है, इस टाइप का पॉकेट है ना, यहाँ कुछ रख सकते हैं आप, ये छोटा सा चेन भी दिया है इसमें ना, दोनों जगह में दिया हुआ है, इस तरफ भी। और इसके नीचे के हिस्से में जाके देखेंगे आप तो इसको एक रेन के लिए, बरसात के लिए एक ये दिया हुआ है, ये इसका क्वालिटी इतना अच्छा तो नहीं है लेकिन है रेन के लिए, बरसात के लिए बैग ढकने के लिए ये दिया गया कवर। चलिए इसको मैं साइड में रख देता हूँ। और उसके बाद इसके नीचे की तरफ एक हमर का स्टिकर लगा हुआ है, प्लास्टिक का रबड़ दिया है जो नीचे रखने के लिए, ताकि आपका बैग गंदा ना हो, इसके लिए ये दिया है। और साइड में पानी का बॉटल रखने के लिए भी, काफ़ी लंबा, एक बॉटल गिरेगा नहीं क्योंकि छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है, ये देखिए 4, 8, 10, 12 इंच के आसपास का ये चीज़ दिया है जाली के साथ, पानी बॉटल कैरी करने के लिए, ये दोनों तरफ है। और इसके ये दिखाई दिया आपको, पॉकेट की बात करते हैं तो सबसे आगे आता है छोटा सा पॉकेट आता है इसके अंदर, ये है काफ़ी लंबा है, यहाँ तक है, जो यहाँ तक दिखाई दे रहा है ये इतना बड़ा लंबा है, ये सबसे छोटा पैकेट है। इसमें आप ऐसे मोबाइल वगैरह कैरी कर, मोबाइल तो नहीं, कुछ और सामान चार्जर वगैरह कैरी कर सकते हैं। उसके बाद एक और पॉकेट आता है, इस पॉकेट में आपको दिखा देता हूँ, ये पॉकेट में ये काफ़ी बड़ा पॉकेट है और इसमें एक और यहाँ चेन दिया है, ये चेन के थ्रू इसमें कुछ भी सामान रखते हैं, चार्जर हो गया है ना, कुछ भी रख सकते हैं, मोबाइल रख सकते हैं और आपके ज़रूरी सामान रख सकते हैं यहाँ, चार्जर पावर बैंक कैरी करने के लिए और भी सामान इसमें कैरी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं मेन जगह पे, मेन बैग का स्पेस पे, यहाँ जाएंगे तो आप इतना खुलेगा, ये इससे ज़्यादा नहीं खुलेगा। और एक तो ये दिया है इसमें, जो ऊपर से देखेंगे आप यहाँ इस चेन का साइड में ना एक चेन लगा हुआ है, तो इसका थ्रू आप इसमें जाएंगे, एक सेकंड होल्ड करते ही है, इसके थ्रू यहाँ से सामान डालेंगे तो इस ये थैले भी अंदर में आ जाएगा, यानी कि ये ऊपर की तरफ से दिया है। और यहाँ पर एक लैपटॉप कैरी करने के लिए लैपटॉप का ये दिया है चेन के साथ, इसको बांधने के लिए भी फीता दिया है। और मेन बैग ये है, ये बैग का स्पेस ये है, जिसको थैले को हटा दूँ तो आपको इस टाइप का दिखाई देगा, काफ़ी 45 लीटर का है, ये मिलिट्री कलर में है, मटेरियल लेलोन है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, इसे कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसकी एक कमी लगी मुझे, ये टेढ़ा है, जब भी आप इसे रखेंगे तो ऐसा होगा, इसको रखने के लिए कोई दीवार के साथ रखना पड़ेगा, आपको दीवार के साथ आड़ लगा के रखना पड़ेगा क्योंकि ये टेढ़ा दिया है, ये इसका माइनस पॉइंट है, बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं हो सकता, ये इसको टेढ़ा करके ऐसा होगा जब रखेंगे, ये टेढ़ा है आप देख सकते हैं, ये चीज़ इसका माइनस पॉइंट है। बाकी बैग की क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, लेलोन मटेरियल है और इस बैग को 3-4 दिन के कपड़े लत्ते के साथ आप यूज कर सकते हैं, जो ट्रैकिंग के तौर पर ट्रैवल के लिए यूज होगा। तो आई होप कि आपको ये बैग पसंद आया होगा, मुझे तो काफ़ी पसंद आई है। अगर आपको इसको अमेजन से परचेस करते हैं तो मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि मैंने 1362 रुपये में परचेस किया है,
कल परसों ऑर्डर किया था, कल मेरे पास डिलीवर हो गया और आज इसकी मैं आपको साथ दिखा रहा हूँ।